धे टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य खाना बदोश जनजातियों यानी नोमैडिक ट्राइब्स पर ध्यान केंद्रित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी बिहार, सी गुजरात या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है डी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार राज्य की विमुक्त और घुमंती जनजातियों पर आधारित लोक रंग 2022 आयोजित करने का निर्णय लिया है। उत्सव में नृत्य नाटक प्रदर्शनी और व्यंजन मेला, खानाबदोश जनजातियों की जीवन शैली, भोजन, कला, संस्कृति और पौराणिक कथाओं पर केंद्रित होगा। इसके साथ ही खानाबदोश जनजातियों पर ध्यान केंद्रित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उल्लेखनीय है कि गणतंत्र दिवस पर संस्कृति विभाग द्वारा राजधानी में लोक रंग का और प्रदेश के सभी जिलों में भारत पर्व का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी जिलों में कलाकार एक साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देते हैं। 5 दिवसीय भव्य वार्षिक उत्सव लोक रंग हर वर्ष गणतंत्र दिवस से शुरू होकर शहीद दिवस तक चलता है। रविन्द्र भवन आगामी लोक रंग का आयोजन स्थल होगा। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी ने भी बताया है कि खानाबदोश जनजातियों को समर्पित यह देश का पहला त्यौहार होगा। मध्य प्रदेश में लगभग 26 खानाबदोश जनजातियां हैं और उनमें से लोक रंग में 5 पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें कालबेलिया, बेड़िया, पारधी और कुछ बंदिया और बेदिया शामिल हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। हाल ही में किस देश ने बच्चों के साथ बलात्कार करने वाले दोषियों को आर्कटिक के ठंडी और वीरान जगह पर बनी जेलों में भेजने संबंधी कानून बनाने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ए बेलारूस, बी जॉर्जिया, सी रूस या फिर डी कजाकिस्तान। इसका उत्तर है सी यानी रूस। हाल ही में रूस ने देश में बच्चों के साथ बढ़ते बलात्कार की घटनाओं को देखते हुए सख्त कानून बनाने की घोषणा की है। इस कानून के अनुसार अब आदतन बलात्कारियों को आर्कटिक के ठंडी और वीरान जगह पर बनी जेलों में भेजा जाएगा। रूसी संसद नए यौन अपराध कानूनों को इसी महीने मंजूरी देने जा रही है, जिसके बाद इस कानून पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हस्ताक्षर करेंगे। रूसी संसद के स्पीकर ने भी कहा है कि बच्चों का यौन शोषण करने वाले आदतन बलात्कारियों को आर्कटिक में कठोर श्रम दंड कॉलोनियों में अपनी सजा काटनी होगी। उन्हें वहां पर साइबेरियाई खदानों में काम करने के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और रूस में बच्चों के साथ बलात्कार के कानून को सख्त बनाने के लिए पुतिन प्रशासन पर भारी दबाव है। हाल के समय में ऐसी कुछ घटनाएं वहां देखी गई हैं, इसलिए यह दबाव और भी बढ़ा है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। केशव चंद्र सेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का गठन किया था। दूसरा, उन्होंने बालिकाओं के शिक्षा के लिए विक्टोरिया इंस्टीट्यूट, जो बाद में विक्टोरिया कॉलेज बना था, उसका गठन किया था, जिसमें संध्याकालीन कक्षाएं चलती थीं। तीसरा, केशव चंद्र सेन ने 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी और 1871 में जिसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है डी यानी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। केशव चंद्र सेन की आज पुण्यतिथि है। 19 नवंबर 1838 को उनका जन्म हुआ था और 8 जनवरी 1884 को उनका निधन हुआ था। वे बंगाल के हिंदू दार्शनिक, धार्मिक उपदेशक और समाज सुधारक थे। ब्रह्म समाज को उन्होंने नई दशा दिशा दी थी। केशव चंद्र सेन ने ही आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को सलाह दी थी कि वे सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में करें। केशव चंद्र सेन मूर्ति पूजा, बहुदेव पूजा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व के कट्टर विरोधी थे। 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इस पर देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपने समाज का नाम आदि ब्रह्म समाज रख दिया था। केशव चंद्र सेन ने ही कालांतर में नव विधान, जिसे न्यू डिस्पेंसेशन कहते हैं, उसका भी गठन किया था, जिसके तहत उन्होंने क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्न फिलॉसफी के जो आध्यात्मिक गुण हैं उसको हिंदू संस्कृति में शामिल करने की कोशिश की थी। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। नारी शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला, महिला और बाल विकास मंत्रालय हर साल व्यक्तियों और संस्थाओं को महिला सशक्तिकरण, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के लिए इनकी सेवा के सम्मान में नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन, प्रत्येक विजेता को पुरस्कार में प्रमाण पत्र और 1,00,000 रुपए की नकद राशि दी जाती है। तीसरा, पुरस्कारों की अधिकतम संख्या व्यक्तिगत और संस्थागत सहित 15 हो सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3? इसका उत्तर है सी। नारी शक्ति पुरस्कार 2021 अभी सुर्खियों में है। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नारी शक्ति पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। वर्ष 2021 के नारी शक्ति पुरस्कार के लिए 31 जनवरी 2022 तक प्राप्त सभी आवेदनों और नामांकनों पर विचार किया जाएगा। यह पुरस्कार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने को मान्यता देते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च 2022 के अवसर पर दिया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय हर साल व्यक्तियों और संस्थानों को महिला सशक्तिकरण, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाली यानी मार्जिनलाइज्ड जो वुमेन है उनकी सेवा के सम्मान में नारी शक्ति पुरस्कार देता है। प्रत्येक विजेता को पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र और 2,00,000 रुपये न कि 1,00,000 रुपये की नकद राशि दी जाती है। पुरस्कार सभी व्यक्तियों और संस्थानों के लिए खुले हैं। पुरस्कारों की अधिकतम संख्या व्यक्तिगत और संस्थागत स्तर पर 15 हो सकती है। हालांकि अधिकतम संख्या में किसी प्रकार की छूट की अनुमति महिला और बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति के विवेक पर दी जा सकती है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान यानी ICARSBI कोयम्बटूर ने निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व के सहयोग से आदिवासियों के ज्ञान सशक्तिकरण पर एक अभियान और अपनी अनुसूचित जनजाति घटक परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं ए कलाकड मुंडन थुरई टाइगर रिजर्व, बी बांदीपुर टाइगर रिजर्व, सी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व या फिर डी नागरहोल टाइगर रिजर्व। इसका उत्तर है सी यानी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान जिसे शॉर्टकट में ICARSBI कहते हैं कोयम्बटूर ने अन्नामलाई बाघ अभयारण्य के सहयोग से आदिवासियों के ज्ञान सशक्तिकरण पर एक अभियान चलाया है और 5 जनवरी 2022 को अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अट्टागट्टी में अपने अनुसूचित जनजाति घटक यानी STC परियोजना शुरू की गई है। इस अवसर पर एशियाई हाथियों को संभालने के अपने गहन ज्ञान और कौशल के साथ हाथियों को प्रशिक्षित करने में वन विभाग की बहुत मदद करने वाली मालासर जनजातियों का भी उल्लेख किया गया है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले MCQ के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।